इलेक्शन कमीशन में फैसल वाडा नाहली केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। पीटीआई के सेनेटर फैसल वाडा इलेक्शन कमीशन में पेश हुए, इस हवाले से तफसीलात जानते हैं उस्मान खान से। उस्मान खान, फैसला महफूज कर लिया गया है, क्या तफसीलात है इस हवाले से? बहुत कमीशन में आज फैसल वाडा नाहली केस की समाप्त हुई है। सेनेटर फैसल वाडा और जो दरख्वास्त गुजार है रुकन कौमी असेंबली कादर मंदोखेर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। इलेक्शन कमीशन ने कहा है की आज 23वीं समाप्त है और डेढ़ साल से जवाब मांग रहा हूं मगर मुझे जवाब नहीं दिया जा रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जवाब ना आए आप अपनी बात मुकम्मल करें, मजीद मुहलत नहीं देंगे। कादर मंदोखेर ने कहा कि इलेक्शन 2018 में रिटर्निंग अफसर ने दोहरी शरीयत पर गलत हुक्म दिया, फैसल वाडा के बजाय रिटर्निंग अफसर ने मेरे कागजात मुस्तरद कर दिए। मेंबर बलोचिस्तान मोहम्मद जतोई ने इस्तफसार किया कि आपने रिटर्निंग अफसर का फैसला ट्रिब्यूनल से चैलेंज क्यों नहीं किया, बराह रास्त इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने पर मुतमिन करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि गुज़िश्ता समाअत पर आपने कहा था कि दलाइल मुकम्मल है, आज नई बातें कर रहे हैं। फैसल वाडा के खिलाफ तमाम दरख्वास्त गुजारों ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। फैसल वाडा की नाहली के लिए दायर एक दरख्वास्त पैरवी पर खारिज कर दी गई, जबकि फैसल वाडा के वकील ने अपनी दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि जो मेरे जो मुदई है वकील फैसल वाडा ने कहा कि रिटर्निंग अफसर को पासपोर्ट मंसूबी के दस्तावेज भी फराहम किए थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तफसार किया कि क्या पासपोर्ट मंसूब होने पर शहरियत भी खत्म हो जाती है, जबकि ठीक है। तमाम इस हवाले से फैसला महफूज कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान खान।